हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम 7 जुलाई तक के अभी तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप इसे लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस राज्य सरकार ने कक्षा 1 से 12 तक के लिए 1000 से अधिक शिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम की सामग्री के साथ एक ऑनलाइन पोर्टल लीड LEAD का शुभारंभ किया है? इसका आंसर बी दिल्ली है। लीड का फुल फॉर्म है लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेज मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली। एक बार और देखेंगे इसे, लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेज मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली। दिल्ली के CM है अरविंद केजरीवाल, यहाँ के गवर्नर है श्री अनिल बैजल। दिल्ली के CM ने हाल ही में इनोग्रेट किया था प्लाज्मा बैंक और यहाँ पे एक ऐप लॉन्च किया गया था, मोबाइल एप्लीकेशन, जिसका नाम है दिल्ली कोरोना। क्वेश्चन नंबर टू है, CBSE ने वर्चुअल मोड में अपने संबंधित स्कूलों के शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त और व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? इसका आंसर है ए फेसबुक। फेसबुक के ओनर है मार्क जुकरबर्ग। इन्होंने इसे फाउंड किया था 2004 में। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया USA है। CBSE का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसे फाउंड किया गया था 3 नवंबर 1962 में। इसके अभी चेयरमैन है मनोज आहूजा। फेसबुक ने हाल ही में एक जियो प्लेटफॉर्म में 5.7 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है, जो कि इंडियन रुपीज में 43,507 करोड़, 43,574 करोड़ रुपये होते हैं। इस इन्वेस्टमेंट से फेसबुक ने जियो प्लेटफॉर्म में 9.9% शेयर परचेज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 1000 बिस्तर वाले सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर एंड हॉस्पिटल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इसका आंसर ए दिल्ली है। इस हॉस्पिटल में 1000 बेड के साथ 250 ICU बेड भी होंगे। इसे बनाया है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO और भी रिकॉर्ड टाइम में 12 दिनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। किस राज्य पर्यटन ने इंतजार आपका अभियान शुरू किया है? इसके तहत वे अपने राज्य में पर्यटकों को आकर्षित करेंगे। इसका आंसर है सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का स्टेट एनिमल है स्वैम्प डियर। स्टेट वर्ड है एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। यहाँ पर नेशनल पार्क है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुरा वन विहार नेशनल पार्क। हमारा घर हमारा विद्यालय कैंपेन भी यहीं शुरू इसी स्टेट में शुरू किया गया है। किल कोरोना कैंपेन भी इसी स्टेट में शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश के CM है शिवराज सिंह चौहान। यहाँ पे गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल को एडिशनल चार्ज मिला है मध्य प्रदेश का, ये UP की गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। किस राज्य सरकार ने मिशन वृक्षारोपण, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, मिशन वृक्षारोपण 2020 नामक एक मेगा वृक्षारोपण कार्यक्रम शुरू किया है? इसका आंसर है बी उत्तर प्रदेश। इस वृक्षारोपण के तहत 25 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे पूरे राज्य में। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक मोबाइल एप्लीकेशन आयुष कवच लॉन्च किया है, जिसके तहत मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस आसानी से वो उसमें हेल्प ले सकते हैं लोग। PM लॉन्चेस, प्रधानमंत्री ने भी हाल ही में लॉन्च किया है आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान, जो कि 125 दिनों तक चलेगा। CM योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का एडिशनल चार्ज मिला है। उत्तर प्रदेश का स्टेट एनिमल है मस्क डियर। बारासिंगा स्टेट वर्ड है हिमालयन मोनल। वहाँ पर नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क। वहाँ पर डैम है गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम, जो कि रिहान रिवर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। RBI के किस गवर्नर ने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक एक पुस्तक लिखी है? ये लिखा है उर्जित पटेल ने। उर्जित पटेल RBI के 24वें गवर्नर हैं। अभी RBI के गवर्नर है शक्तिकांत दास। RBI का हेडक्वार्टर मुंबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सॉरी, यहाँ पे हाल ही में कुछ रिलीज किए गए बुक हैं और उनके ऑथर को देखते हैं। फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स, इसके ऑथर है बी पट्टा भाई। इसे रिलीज किया है लॉन्च किया है M वेंकैया नायडू ने। लेजेंड ऑफ सोलदेव, इसके ऑथर है अमित त्रिपाठी। फियर ऑफ गॉड, इसके ऑथर है वदान। वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी, इसके ऑथर है फैंग फैंग। होप ऑन माय एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स, इसके ऑथर है रस्किन बॉन्ड। इकाबॉक, इकाबॉक के ऑथर है
जेके रॉलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका के वार्षिक पुरस्कार समारोह में किस दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी को क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है? इसका आंसर है सी, क्विंटन डिकॉक। इस समारोह में और किन्हें अवार्ड मिला है इसे जानते हैं। मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये अवार्ड मिला है क्विंटन डिकॉक को। वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है लॉरा वॉलवार्ट को। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है क्विंटन डिकॉक को। वुमेन्स ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर मिला है लॉरा वॉलवार्ट को। मेंस ओडीआई टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर मिला है लुंगी नगीटी को। वुमेन्स टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर मिला है सबनीम इस्मेल को। फैंस फेवरेट प्लेयर ऑफ द ईयर डेविड मिलर को। इंटरनेशनल मेंस न्यू कमर ऑफ द ईयर एंड्रिक नॉर्टजे। वुमेन्स न्यू कमर ऑफ द ईयर नॉन कुलू लेको मालवा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जीन कास्टेक्स को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है बी, फ्रांस। इन्हें फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ये रिप्लेस करेंगे एडवर्ड फिलिप्स को। फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। वहाँ पे करेंसी फ्रैंक चलती है। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। यहाँ पे इंडिया के साथ डिफेंस एक्सरसाइज होती है वरुण गरुड़ शक्ति। फ्रांस से 6 राफेल विमान 27 जुलाई तक इंडिया आ जाएंगे। फ्रांस ने हाल ही में 200 मिलियन यूरो इंडिया को कोविड-19 रिस्पॉन्स के लिए कमिट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत का पहला सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन एलाइमेंट लॉन्च किया है? इसका आंसर है बी, एम वेंकैया नायडू, जो कि भारत के 13वें उपराष्ट्रपति है। इसे डेवलप किया गया है सुमेरु सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। ये एक बेंगलुरु बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक रिन्यूएबल एनर्जी सीईओ सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत से अगले 5 वर्षों में 2025 में केवल कितने गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की उम्मीदें? इसका आंसर है डी, 60 गीगावाट होगा। इस रिपोर्ट को रिसर्च और कंसल्टेंसी फर्म ब्रिज टू इंडिया ने तैयार किया है। गवर्नमेंट का टारगेट है 170 गीगावाट 2020 तक और 450 गीगावाट 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एम ताज मुकर्रम ने निम्नलिखित में से किस संगठन के निर्देशक का कार्यभार संभाला है? इसका आंसर है डी, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को फाउंड किया गया था 23 अक्टूबर 1989 में। इसका हेडक्वार्टर है गुड़गांव, यानी अभी उसे कहते हैं गुरुग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जोया खान भारत में कॉमन सर्विस सेंटर की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर बन गई है, वह किस राज्य से है? हमें ये बताना है। इसका आंसर है सी, गुजरात। ये गुजरात की है। गुजरात के सीएम है विजय रूपानी। वहाँ पे गवर्नर है आचार्य देवव्रत। गुजरात का स्टेट एनिमल है एशियाटिक लायन। स्टेट बर्ड है ग्रेटर फ्लेमिंगो। वहाँ पे नेशनल पार्क है ब्लैकबक नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ कच्छ मरीन नेशनल पार्क, वसुंधरा नेशनल पार्क, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेटिक्स टेक्नोलॉजी ने सिक फॉर जस्टिस SFJ की कितनी वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया है? इसका आंसर बी, 40 वेबसाइट होंगे। सिक फॉर जस्टिस एक अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन है और इसे बैंड किया गया है UAPA 1967, द अनलॉ एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज ऐप को भी बैन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15, हीरो साइकिल ने निम्नलिखित में किस देश के साथ 900 करोड़ रुपए के व्यापार सौदे को रद्द कर दिया? इसका आंसर ए, चाइना है। चाइना के कैपिटल बीजिंग है, करेंसी रेनमिनबी है, यहाँ के प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग। इंडिया के साथ एक्सरसाइज होती है डिफेंस एक्सरसाइज हैंड इन हैंड। बीजिंग में एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है। चाइना ने अभी में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में टॉप किया है। चाइना ने हाल
हाल ही में ई वेस्ट डंप करने में भी इस लिस्ट में भी टॉप किया है। उसने डंप किया है 10.1 मिलियन ई वेस्ट को। यहाँ पे हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर और उसके प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी जनरल और डायरेक्टर जनरल के बारे में जानेंगे। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर जेनेवा में है। इसके सेक्रेटरी जनरल है पेट्री टैलस। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। इसके सीईओ है डैरिंग टैंग। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड है। इसके प्रेसिडेंट है पीटर मॉरेर। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है और इसके डायरेक्टर जनरल है ऑद्रे ऑजोले। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट OECD, इसका हेडक्वार्टर पेरिस और इसके सेक्रेटरी जनरल है जॉस एंजल ग्यूरिया। अब यहाँ पे मैं आपको तीन क्वेश्चन दे रहा हूँ जिनके आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 के अनुसार दुनिया में ई कचरे का सबसे बड़ा योगदानकर्ता कौन है? जियो प्लेटफॉर्म द्वारा लॉन्च की गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड और लास्ट है, कौन सा संगठन नेटवर्क्स फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम NGFS का ऑब्जर्वर बन गया? इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इस वीडियो को देखने और सुनने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।